जोर से, जोर से, और जोर से, वेरी गुड, बस इतनी जोर से नहीं करोगे दूसरे शोज तक आवाज चली जाए यार, उनको बुरा लगता है, दिल पे लगती है उनके जाके। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जरूर देना चाहूंगा कि हंसना मना है पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा कॉमेडी शो है, पहले नंबर पे अभी भी पंजाब असेंबली है। कादिर आजाद, आज जिस चीज के बारे में बात करना चाहता हूं, बनी नौ इंसान की शायद सबसे बड़ी ईजाद, ऐसी चीज जिसके ईजाद होने के बाद इंसान बदल के रह गया। जी हाँ, मैं बात करना चाह रहा हूं लोटे की। लोटा एक ऐसा आइटम है जो जानवरों और इंसानों में डिस्टिंक्शन पैदा करता है। अगर लोटा ना होता तो जानवरों और हमारी ऑफलोडिंग में कोई फर्क ना होता। जब लोटा ईजाद हुआ तो एक लग्जरी आइटम था, जिस घर में लोटा होता था लोग उस लोटे को देखने जाते थे, भाई हम आपका लोटा देखने आए। मगर जब लोटे कॉमन हो गए तो जिस घर में लोटा होता था उसको हकारत की नगाह से देखा जाता था, है लोटा रखते हैं अभी। लोटों वाले घर तो थे ही, अब लोटों के सिर्फ घर नहीं है बल्कि हुकूमतें भी हैं। अच्छा, ये होता है जिस तरह लोटों में पानी नहीं फंस पाता, रुक पाता देर तक, इस तरह लोटों की हुकूमत भी देर तक नहीं रह पाती। अभी उसके जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं परवेज इलाही हैं, मगर मुझे डर है कि जब तक ये एपिसोड ऑन एयर होगी तब तक कोई और भी हो सकता है। हुआ है कुछ यूं कि अभी कुछ दिनों पहले पीटीआई के कुछ कारकुनान ने अपने ही नुमाइंदे को वोट नहीं दिया और अपोजिशन को वोट देकर जितवा दिया। सियासी शराफत की जुबान में ऐसे लोगों को मुनहरिफ अरकान कहा जाता है और सियासी जुबान में इनको कहा जाता है लोटे। अच्छा, जो लोटे होते हैं ना, ये मतलब समझ लें जमहूरियत का जो हुसन होता है उसके लिए मेकअप का किरदार अदा करते हैं, लेकिन इनके रेट फिक्स होने चाहिए। अब पीटीआई वाले रो रहे थे कि यार हमारे कारकुनान को 40 करोड़ रुपया देके खरीदा जा रहा है, मुस्लिम लीग नून वाले कह रहे थे कि हमारे कारकुनान को 10 करोड़ रुपये देके खरीदा जा रहा है। मैं मौजूद अदलिया से गुजारिश करूंगा कि खुदा रा रेट लिस्ट निकालें लोटों की, ताकि किसी मासूम होनहार लोटे के साथ ना इंसाफी ना हो। कादिर आजाद, वेलकम टू हंसना मनाए। आज जो हमारे गेस्ट हैं, भाई कपूर मशहूर है इंडिया में और पाकिस्तान में मशहूर है शेख, तो आज हमारे साथ आदि शेख फैमिली मोमल और शहजाद। कैसा लग रहा है दोनों को? अच्छा लग रहा है, एक साथ यूजुअली ट्रैवल करते हैं, शोज में अपेयर होते हैं। बहुत थक गए हूं मैं अब इसके साथ शो कर कर। अच्छा, मोमल बहुत ही कंफर्टेबल रहता है, बट आई गेस अब बहुत हो गया है, ये आखिरी शो है मेरा। ये शो कर रहा है, मैंने 20वां शो है जो हम बोल रहे हैं कि आखिरी है, लेकिन होके नहीं देता। हां, होके नहीं देता, ऐसा हो तो क्या नहीं हो सकता है। शो में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी गेस्ट आते हैं ना उनकी नेटवर्थ डिस्कस करते हैं, जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, पब्लिक इंफॉर्मेशन है। अच्छा, ये छुपी छुपाई बातें नहीं है कि मैंने कहीं से निकाल के। मैं भी जानना चाहती हूं, $15 लाख है, आप रेट लगा लो $15 लाख और यूएसडी यूएसडी $230 है इसके हिसाब से, 34 का मिल रहा है, जब तक शो रिलीज होगा तो 280 का भी हो सकता है। बहरहाल 230 लेके चलते हैं, तो 34.5 करोड़ रुपया आपके पास मौजूद है। और ये किडनैपर्स वगैरह अगर सुन रहे हैं तो ये फेक इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पर, ऐसा कुछ नहीं है। भाभी की भी नेटवर्क मौजूद है इंटरनेट पर, भाभी की भी है। और वो उनकी सिर्फ आपसे ये है कि $1,00,000 कम है, कम है $14,00,000 उनके पास से कम। अगर इस तरह आपने हिसाब लगाया तो कम से कम $1,00,000 उनके पास ज्यादा होना चाहिए। लिखा है ना, हम नहीं जानते, हम पर्सनल बातों में नहीं पढ़ते। सही, ये कहाँ लिखा है, ये किसने लिखा है? अच्छा, अगर लिखा भी है तो आप पब्लिक क्यों कर रहे हैं ये बताएं। पब्लिक है वो ऑलरेडी, देखिए वो देख लेगी ना, वो देख लेगी, आप क्यों टेलीविजन इंटरनेट स्लो आ रहे हैं। इनके पास रोज तो इंटरनेट की केबल खा जाती है शार्क यहाँ पर पाकिस्तान में। हैरानगी की बात ये है कि टोटल जो आप मियां बीवी के पास है ना, अकेला मोमल के पास है। एक सेकंड जरा, मुझे बैठने भी चाहिए उस हिसाब से। 70 करोड़ रुपए की मालिक भाई, नेटवर्क इंग्लिश में लिखिए 3 मिलियन से बात करो, ओके, बल्कि बात ही मत करो। मैं शो पे क्यों बैठी हुई हूँ? बाय अल्लाह, सॉरी, बस जरूरत ही नहीं है मुझे यहाँ पे बैठने की। फेक है, बैठ जाओ। ओके, ऑलराइट, थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि अभी तो आप सब छोड़ दो, आप सब छोड़, 70 आपके हो गए,
68 आपके नहीं छोड़े भाई हमने छोड़े आप अब्बू की जो सुने अब्बू की सुने आप अब्बू की बताओ अब्बू की टोटल वर्थ है $20 million $20 million आपके ही अब्बू हैं वो $20 million का मतलब है नाम जावेद शेख ही लिखा हुआ है ना हाँ जावेद शेख $20 million का मतलब ये हो गया कि $2 crore अरे भैया $2 crore मतलब 460 crore बोला भी नहीं जा रहा मुझसे फोन करो या मैं फोन करूं 460 crore प्लस हम क्या करते हैं हम नया स्टार्ट किया मैंने क्योंकि सोहेल वड़ाई हमारे चैनल पे काम करते हैं तो हम खुल्लम खुल्ला उनकी मिमिक्री कर सकते हैं उन्होंने अलाउ भी किया बहुत प्यारे आदमी बहुत वो तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सोहेल वड़ाई के अंदाज में पूछने चाहिए बने ही उनके लिए तो सवाल पूछूंगा दोनों बहन भाइयों में ओह माय गॉड बल्कि मैं यूं चलता हुआ आऊंगा स्लो और म्यूजिक भी मैं खुद बजाऊंगा ठीक है बहुत बजट ही इतना है शो का शहजाद आप अच्छा क्योंकि सोहेल वड़ाई आपके घर आ रहे हैं ना तो आप नॉर्मल काम नहीं कर रहे हो ठीक है या तो आप स्विमिंग कर रहे होगे या मैं फोन पे लगा जब भी किसी घर जाते हैं वो बंदा स्विमिंग कर रहा होता है या वो अपने कमरे में सो रहा होता है हम उनके घर पहुंचे तो वो सो रहे थे कॉन्टेंट है 5 मिनट का वॉक में लग गए 35 मिनट ठीक है आप दोनों बहन भाइयों में खूब जमती है मगर शहजाद कम गो और मोमल तो उफ़ो इसी तरह की जुमला बिल्कुल क्या ये खुला तजाद नहीं मोमल आप कम बोलती हैं शहजाद थोड़ा सॉरी आप ज्यादा तो सुनने में आया है कि थोड़ा ज्यादा बोल लेती हैं शहजाद थोड़े कम अभी आपको लगा क्या है आप अपना अपना एक्सपीरियंस बताएं मुझे लगा कि ये सवाल विकिपीडिया से निकाला गया है ना थैंक यू जवाब क्या है इसका मोमल ज्यादा बोलती है मुझे लगा कि मोमल मुझे लगा नहीं मोमल बड़ी है तो ज्यादा बोल मोमल को मैं देता हूं चांस कि मोमल बोले एक सेकंड एक सेकंड क्या बोला तुमने 70 करोड़ रुपए के पास वैसे भी करियर में सीनियर है एक सेकंड मैं ही चलता हूं क्या हुआ तुमने बोला अभी कि तुमने बोला कि मैं अभी बड़ी हूं हां कहां से बड़ी मतलब 70 करोड़ है ना 1.5 करोड़ बड़ी है आप पैसे वाइज बड़ी एज वाइज मैं आपसे छोटी हूँ ये मैं आज क्लियर कर दूं पूरी इंडस्ट्री को पूरी आवाम को पूरे लोगों को पूरे फैंस को पूरे फैमिली वालों को पता है लेकिन सब दोस्त अब रिश्तेदारों और हमारे प्यारे पाकिस्तान और बाहर रहने वालों एलियंस, एलियंस को के एलियंस तक को कि मैं शहजाद से छोटी हूँ आप लोगों को लगता है तो अपना सीधा हाथ उठाएं कि अगर आप लगता है कि मोहम्मद सच बोल रही है सीधा हाथ उठाएं कोई नहीं उठा रहा सीधा नहीं उठाया टेढ़ा अच्छा किसको लगता है मैं छोटा हूँ हाथ उठाएं ये आप भी हो अच्छा 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 मैं 70 करोड़ में से अगर आप 500 रुपए भी बांट देना इनको तो इनके हाथ चेंज पांच पांच में एक एक करोड़ बांटने को तैयार हूँ 70 करोड़ एक एक लाख बांटने को तैयार हूँ ऐसा है कि अब्बू ने भी कर लिया काम बॉलीवुड में आपने भी कर लिया जी बिल्कुल तो कभी शहजाद को चिढ़ाते हैं ये बच्ची हल्के इस तरह कहते हैं क्या तो हुआ ये मैं आपको बताती हूँ जब ऑफर आई तो बिल्कुल भी इरादा नहीं था करने का सही है तो और मेरे मेरे बेटे उस वक्त पैदा हुए थे उस वक्त ही वॉज 2 months जब फोन आया था एंड जब वो 3 months के थे तब मैं गई थी पहली दफ़ा ऑडिशन और सारी चीज़ें करने जब वो ऑफर आई थी ना तो मैंने शहजाद और शेरी को बताया था बड़ा हीरो बनने लाइक मैं जा रही हूँ बॉलीवुड तुम लोग क्या ये वो बैग पकड़ो मेरा बैग पकड़ो मेरा ये बकायदा पकड़ा हमने और देख के 70 करोड़ है इसमें और आप 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 मानेंगे नहीं आंखों में आंसू थे इन लोग किसके दोनों के हाँ ना अगर दोस्त फेल हो जाए तो बुरा नहीं लगता फर्स्ट आ जाए तो बहुत बुरा लगता है क्योंकि इतना इन लोगों ने मुझे बचपन में तंग किया है ना सारे कजन्स और शहजाद और सलीम चाचा सब ने मिलके कि वो टाइम था ना कि अल्लाह मियां कहते हैं दिखाते हैं वो दिखाया मुझे सुकून मिला मीनवाइल मोमल गई भी थी बॉम्बे शूट करने के लिए तो मुझे टेंशन थी यार पता नहीं क्या करेगी उधर नाक कटवा देगी क्या कैसा काम करेगी क्या ये टेंशन थी टेंशन थी भाई कि अब मोमल गएगी पता नहीं क्या होगा जेलसी थी आगे आगे कोई मेरा रास्ता बनेगा कि नहीं बनेगा ये खत्म हो जाएगा लेकिन जब फिल्म लेकिन जब आई फिल्म तो आई मस्ट से दैट आई वाज रियली प्राउड मोमल ने बहुत अच्छा काम किया नहीं देखी सच बोलूंगा मैंने नहीं देखा मैं आज जाके देखा नो प्रॉब्लम मुझे मूवी का नाम आज पता चला ठीक मैं देखता नहीं मूवीज नहीं देखता हाँ मैं भाग भाग दौड़ वाली चीज नहीं देखता हैप्पी भाग जाएगी थक जाता हूं अच्छा मूवीज ही नहीं देखते देखी है मैंने देखी लास्ट कौन सी मूवी आखिरी मूवी मैंने देखी शादी की मूवी अपनी बेगम से
आप कहते हैं कि पहली नजर में मोहब्बत हो गई, अब आपके माशाल्लाह दो बच्चे हैं, मोहब्बत कायम है या नजर कमजोर हो गई है? नहीं, कायम है, बरकरार है। भाभी वकील है? बिल्कुल है। अच्छा, ऐसा होता है कि आपका झूठ पकड़ लेती हूँ? नजर देखते ही, बोलने से पहले ही पकड़ लेती। क्या कहते हैं, झूठे? बस देखते हैं, चलो तुम जरा बता, आओ तुम पे जरा दफा 144 लगाओ। ऑडियंस के पास जा रहा हूँ, इनसे मैं सवाल ये आपसे पूछना चाहते हैं, फिर हम वापस आएंगे। ठीक है। और अपने, हाँ भाई माइक लेकर आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? करामत। क्या करते हैं करामत भाई? सर मैं टीचर हूँ। क्या पढ़ाते हैं आप? मैथ एंड स्टैट्स। नहीं, करामत सर लग रहे हैं स्वीट आदमी। आप देख रहे हैं वैलेंटाइन ड्रेसिंग में आए। बिल्कुल बिल्कुल। करामत भाई आपके साथ आपके एक और कोलीग हैं, भाई हैं, कौन है वो भी टाइप पहन के आए रेड वाली? सर है सर। वो आप दुकान जाए ना, कपड़ों की दुकान यार, ब्लैक में वैरायटी दिखाना। अच्छा अच्छा, करामत सर आप मैथ और पढ़ाते, आपकी शादी हुई हुई है? यस यस। लव मैरिज है? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज, प्यार हुआ लेकिन? जी। सवाल क्या है आपके पास, किसके लिए सवाल? सर मेरा सवाल बोथ ऑफ यू, ठीक है, हु इज योर ड्रीम एक्ट्रेस एंड एक्टर्स? भाई आपके कोई इंस्पिरेशन है एक्ट्रेस में? और यार मैंने तो आई थिंक अब्बू क्या थोड़ा बाहर भी निकलते नुमान एजाज। अच्छा, नुमान सर आप भी हर सीन से पहले वजू करते हैं उनकी तरह? उन्होंने कहा ही। अच्छा, कहा है? कहा है कि मैं हर सीन से पहले वजू करूँ। अब मैं जरूर करूँगा। आप वजू करिएगा। पर ये है कि वो टूट गया बीच में तो क्या कुछ के वजू टूट गया। अच्छा, आप कट लग गया भाई, वो कहाँ गए वजू करने के? गीले शूट हो रहे हैं, गीले शूट। भाई देखिए, चाय जवाब ही नहीं देना। मैंने नहीं देना जवाब। क्यों? अच्छा ओके, हाँ देखिए, मैं जुमले से पहले आप लोगों को चाय पीने का मौका दूंगा, चाय मेरी तरफ ना आ जाए। अच्छा, अब मैं ये ब्लैक में भी देख लें? सर ब्लैक में वैरायटी दिखाना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मान मकबूल। उस्मान मकबूल? यस सर। ठीक है सर, आप करामत सर के दोस्त भी हैं? जी बिल्कुल। एग्जैक्टली। और आज आज आपने कहा सब ब्लैक एंड व्हाइट में होगा जो करामत क्या पहन रहे तू? सफेद शर्ट लाल टाई, मैं काले में आऊंगा। सही। क्या पढ़ाते सर? सर इंग्लिश। सर इंग्लिश पढ़ाते, वेरी गुड सर। तो आप की शादी हुई भी है? यस सर। और अरेंज मैरिज? सर लव मैरिज। अच्छा। अगेन ये क्या बात हुई, मींस के अरेंज में नो तालियां, लव में तालियां है? लव सुनते ही पागल हो जाते हैं। अच्छा, मेरे जवाब चाहिए वो, फिर वही हुआ होगा, हेलो करामत किस किस्म की शादी कर रहे हैं? अरेंज। लव। ठीक है, मैं लव करूंगा। चल सही। थैंक यू सर, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? कायनात। कायनात नाम है। कायनात क्या करती हैं आप? मैं पढ़ती हूँ। क्या पढ़ती हूँ? मैं ICS कर चुकी हूँ, एग्जाम ICS कर चुकी हूँ। वाओ, वेरी गुड। और एग्जाम्स ICS मतलब इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। PhD नहीं किया उसने? ओह वेरी गुड, स्टार्टिंग तो है ना यार, माशाल्लाह। वो भी नहीं किया ना इसलिए। यार मैं अपनी बहन के साथ कभी शो पे नहीं जाऊंगा भाई। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे अंदाजा हो गया ये नहीं करना चाहिए। सवाल करें आप। मेरा सवाल है शिजाद सर से कि आपने इंडस्ट्री ज्वाइन की 2011 में। रुक जाए आप। शेजी बोलो, शेजी। शिजाद सर जी, शिजाद से ये सवाल है कि आपने इंडस्ट्री 2011 में ज्वाइन की, तो आपने उसके एक साल बाद ही शादी कर ली, मीन्स इतनी जल्दी क्या थी? पहले वो शुरू करी शहजाद सर से, सर से। हाँ। फिर वो पूछ रही है कि आपने शादी जल्दी क्यों कर, जल्दी क्यों कर ली? उनका केटरिंग का काम है, वो ऑर्डर लेना चाहते हैं। आप गलत मतलब क्यों ले रहे हो उनका? उसका बेचारी का केटरिंग का काम है, बताओ बेटा, बिस्मिल्लाह पकवान हाउस नहीं है आपका? तो इसका सिंपल से जवाब है, देना जवाब देना। आप क्या, रुक जाओ भाई, टेलीविजन पे आना है, बीवी ने भी देखा। It was time to, मुझे लगा कि टाइम हो गया शादी करने का, तो मैंने किस एज में की आपने अपना शहजाद? मैं अभी 28 का हूँ, तो 20 में की थी। 28 साल के आप? यार मुझसे 10 साल छोटे हैं आप। कायनात तुमने मुझसे नहीं पूछा। यार ये क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वाह ये आवाज आई ना जरा, क्या नाम है आपका? साद। साथ, साथ क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ। अरे वेरी गुड, क्या पढ़ रहे हो? इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। और कौन सी?
मटेरियल्स इंजीनियरिंग. तो ऐसे नहीं बताओ जैसे मुझे पता नहीं होगा क्या ये मटेरियल होगा ना. मटेरियल स्टफ नहीं मटेरियल. मेरा क्वेश्चन आपसे और शहजाद सर से. गंदा है कोई? नहीं 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 मुझसे पूछने का क्या फायदा. थोड़ा सा मसला ऐसे कि आप दोनों का एक्सपीरियंस ऐसी है से. अच्छा 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 सर, एक्चुअली मैं ना लव मैरिज करना चाह रहा हूँ, मुझसे कोई लव कर नहीं रहा. यार एक ग्राफ पेपर पेपर और कैलकुलेटर ला देना. मैंने सोल्यूशन निकाल लिया है. वो ज्योमेट्री के ऑब्जेक्ट भी होता है. जरा तारे चेक करें इसके. अच्छा साथ नाम था ना तुम्हारा. साथ देखो तुम एक तो कर रहे हो इंजीनियरिंग जी. मटेरियल 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 इंजीनियरिंग कर. दूसरा तुम ऐसे सख्त नर माहौल में बैठे हो. इंजीनियरिंग में तो वैसी खवातीन नहीं आती यार. तुमसे कोई लव नहीं कर रहा. तुम किससे कर रहे हो? बस मैं जिससे भी कर रहा हूँ ना वो आउट ऑफ रीच है काफी. ये गलत तुमने मटेरियल गलत में चले गए ना तुम. जरा गलत मटेरियल में चला गया है. आउट ऑफ रीच है यार. तुम एक काम करो जी. सबर करो. क्या अब मेरी खुद अरेंज मैरिज है यार. सर हाँ भाई ये सर की हुई हुई है. काली शर्ट लाल टाई. आप दोनों शहजाद की भी लव है. शहजाद की भी लव है मगर वो मशवरा नहीं देना चाह रहे. तो लव एट फर्स्ट साइट था ना. इन्हें खुद नहीं पता कैसे हो गया. ना फंस गए यार. तो ये बोला जाए अपना आप. उन्होंने बोला फंस गए मतलब ये कैप्चर कर लो क्लोज आ जाओ. और तीन दफा रिपीट करना फंस गए. अब इसका कैप्शन क्या बनेगा पता है? शहजाद ने ऐसा क्या कह दिया कि सब हक्का बक्का रह गए. लेकिन तालियां मुझे साथ के लिए. और आइए सब एक बार दुआ करते हैं साथ के लिए कि या अल्लाह साथ को हाथ रहा हाथ रहा साथ के लिए हाथ रहा अल्लाह मियां साथ को चांद जैसी बल्कि चांद अल्लाह गोल सी आ जाएंगी भाभी. इंसान जैसी भाभी अता फरमाए. बट अब कुछ तो हो ही जाएगा. या तो दुआ कबूल हो जाएगी या तो कोई तुम्हें कबूल कर लेगा. यार भाई अब्बा अम्मा बाजी नहीं छोटी बहन है मोमल पप्पा कजन्स सभी एक्टिंग करते हैं. सही एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स हैं घर के अंदर. तब भी आप एक्टिंग सीखने न्यूयॉर्क चले गए. घर में भरोसा नहीं था आपको इन लोगों को गलत सिखा देंगे ये कम सिखाएंगे. मैंने कहा जरा थोड़ा टाइम मिल जाएगा जरा बाहर अकेले जरा समझ रहे हो ना सीखना मकसद नहीं. अच्छा कोई टेक्निक मुझे बताए ना एक्टिंग की. मतलब मुझे बिल्कुल एक्टिंग नहीं आती. अब मैं आया हूँ पहले दिन आपके पास. आप न्यूयॉर्क में हैं तो मैं आपके पास पहले न्यूयॉर्क में हूँ. मैं आप थे ना वहाँ न्यूयॉर्क में. अब आप न्यूयॉर्क में मैं आया हूँ ठीक है. मैं आप फैकल्टी हो अब आप. इस तरह काली शर्ट लाल टाई में बैठो फैकल्टी. भाई उधर फैकल्टी की ऐसी ड्रेसिंग. अच्छा आप गिल्टी फैकल्टी. कुछ हो जाए ना भैया फैकल्टी. शराइत है आप दोनों की यार. अच्छा आगे आगे आप आए हो. मैं आया हूँ. कैसे आए हो आप वीजे पे आए हो? यार मैं न्यूयॉर्क कैसे आऊंगा. मैं स्टूडेंट वीजा था. वो पकड़ के आया हूँ शिराज कोच कराची से. आयो मैं न्यूयॉर्क में स्टूडेंट वीजा. यार इतनी डिटेलों में क्यों जा रहे हैं हम लोग यार. ये गेम शो है भाई. हंसना मना है. आप आ गए. मैं आ गया. मैं आ चुका हूँ न्यूयॉर्क. टिंग टोंग टिंग. यार गलत घर में चला गया ना पहले. मुझे अपना काम पूरा करना था. टिंग टोंग कम इन. शहजाद साहब है. हेलो मैडम शहजाद साहब को बुलाइएगा. जी जी है. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सर. मैं कराची से आया हूँ. मुझे एक्टिंग की ट्रेनिंग दें. अभी न्यूयॉर्क आएंगे ना तो अंग्रेजी में बात होगी. ओके टिंग टोंग वेटर हूँ क्या कम इन. परमिशन मिलेगी तो चलाए. ठीक ठाक हूँ. Who is it? अच्छा सवाल चेंज हो गया. मैंने जब उसका जवाब तलाश किया. मैं दोबारा घंटे हो यार बात घंटे से आगे नहीं बढ़ पा रही. अब मैं भी कुछ चेंज कर रहा हूँ. अब खोल खोल FBI. Sir, I am from Karachi, Gulshan. I want to learn acting. Okay. Teach me. Teach me. बल्कि ये भी नहीं. बरम बरमबाज लड़का ये. I am Karachi from
From? Acting teach me, foreign. Whatever, no time. No time. Give me technique. Aadha ghanta. Aadha ghanta. I know breathing. Stomach in, saas out. अच्छा ये बताएं जो एक्टिंग होती है मुझे एक चीज का कंफर्टेबल फील नहीं होता कि अब जब वो अभी भी आपको कंफर्टेबल फील नहीं होता एक्टिंग अच्छा अच्छा क्योंकि किसी को एक्टर से आंखें मिलानी है ना मुझसे नहीं हो पाती मेरी हंसी छूट जाती है टेक्निक होती है अगर आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो आप ये बीच में दिस साइड पे देखें यहां देखें हां यहां देखें महंगे नहीं हो जाएंगे नहीं यहां देखें दूसरे को एक्टर ये यहां देखें और दज्जाल खड़ा हो तो सब वक्त हुआ एक ब्रेक का जल्दी जाइए ब्रेक लीजिए वापस आइए असना माया तो यहीं रहेगा भाई जाइए आइए हिंट क्यों नहीं दे रहे हो वो खड़े में सामने खड़े में मेरा सामने खड़े में होली क्रैप गाइस एक सेकंड अम्मी जी एक सेकंड शिजाद दैट वाज नॉट वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन आप बहुत अच्छे लग रहे हैं और मेरे साथ जो गेस्ट हैं ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं हजरात वक्त आ चुका है शहर भाई के थोड़ा सा हम लोग ब्रेक लें ले। और किसी और बोझ डालते डाल हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मुमताज सिंगर बनना चाहते अभी असलाम अनाए में रोज आते हैं कराची के कायद हैं अच्छा कराची के कायद आपकी भरपूर तालियों में कायद अहमद बर्बाद हो गया हो गया हमने अपनी आंखों से देखा तो सज्जाद अली का एक बहुत दर्दनाक दर्द भरा गाना है तो अगर वो कराची गाएगा तो क्या गाएगा वाह वो ये गाएगा बताओ ड्रिग रोड पे खड़े हो तुम्हें क्या ढंग चले जाओ तारिक रोड पे खड़े हो तुम्हें क्या ढंग चले जाओ मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ ए नाहल लुटेरों में तुम सा तो नहीं हूँ मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ खांचे सभी याद हैं भूला तो नहीं खांचे सब याद खांचे सभी याद हैं भूला तो नहीं हूँ ए शहर के सौदागरों तुम सा तो नहीं हूँ खांचे और गौर फरमाइएगा जी अभी वही कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इधर उधर देख रहे हैं सही मसले हतन कोटे के हाथों चुपचाप सही मसले हतन कोटे के हाथों मजबूर सही उस ठग से हारा तो नहीं हूँ मजबूर सही उन ठगों से हारा तो नहीं हूँ ए शहर के सौदागरों तुम सा तो नहीं हूँ खांचे सभी याद हैं भूला तो नहीं हूँ और अगर इस ये बहुत अच्छा था लेकिन इसकी एक करेक्ट लाइन गा दें तो मजा आ जाएगा हाँ। हो जाए भैया जो ओरिजिनल में गाने ही इतना अच्छा है हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ
फरामोश मैं तुझसा तो नहीं क्या बात हर ज़ुल्म थैंक यू सो मच थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच गाइस प्लीज जो गेम अब हम खेलने जा रहे हैं ये बहुत मशहूर गेम पूरी दुनिया में सिर्फ इधर खेला जा रहा है ठीक है तो इसका नाम है नजरबंद ठीक है करेंगे ये आपके सामने एक ऑब्जेक्ट रखेंगे और उस ऑब्जेक्ट को ना आप छू सकते हैं ना देख सकते हैं ना सूंघ सकते हैं कुछ भी नहीं कर सकते पट्टी बंदी होगी आंखों में वन बाय वन करेंगे पहले आपकी और क्लूज दिए जाएंगे कुछ भी नहीं दिया जाएगा आप सिर्फ 5 सवाल पूछेंगे और उन 5 सवालों के बाद आप वो गैस करेंगे चाहिए और हिंट्स दूंगा मैं ओके हिंट्स दूंगा मैं ठीक है सबसे पहले मोमेंट इनसे करते मैं आपको पट्टी बांध दूंगा आंखें कुछ नजर तो नहीं आ रहा नहीं नहीं आ रहा ना नजर नहीं आ रहा भाई ठीक है सवाल शुरू कर सकते हैं आप अब 5 सवालों की गुंजाइश है ठीक है ये कोई खाने की चीज है नहीं किस लिए इस्तेमाल होती है प्रोटेक्शन अब इसमें हंसने क्या बात है तो नहीं होती क्या अमूमन कौन इस्तेमाल करता है अमूमन मर्द जबकि ऐसा है कि अब थोड़ा रुझान बना है 3.5 भी इस्तेमाल करती हैं अच्छा 3 सवाल हो गए 3 हो गए भाई क्या रंग है वैसे अलग अलग रंग के होते हैं मगर अभी लाल है भाई लाल है एक और हिंट देता हूं फटने से बचाता है ये काबिश वाली हिंट है सही है सही है लेकिन तरीका ताबिश ताबिश फटने से बचाती है मैं वहां तक लेके जाऊंगा और वहां तक वापस ले आऊंगा 4 सवाल हो गए और 36 हिंट्स दे चुका हूं मैं दूंगी तो तुम गैस कर लो बताओ हाँ कोई बात नहीं हमने कौन सा इनको हरा के खुशी महसूस कर और क्या हाँ दे दूँ हाँ हिंट्स दे हिंट देना तुम्हारे पास भी है गन यार क्या गन है भाई सबके पास होनी चाहिए प्रोटेक्शन के लिए गन गन फटने से कहाँ रोकती है तो फाड़ देती है गन और उसमें लाल कार्तूस निकलता है बेल्ट बेल्ट नहीं 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 बेल्ट कहाँ यार आप मुझे बताओ फटने से कहाँ रोकती है बेल्ट आप मैं बहुत इंपॉर्टेंट वो थी मैं बता रहा हूँ हिंट आप लोग सीरियसली ले रहे मेरे हिंट्स को अच्छा मैं हिंट दे रहा हूँ गोल है गोल है लाल है फटने से रोकता है प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है अच्छा मैं एक और हिंट दे देता हूँ भाई ये हिंट तो कमाल हिंट होगी पहनने की चीज है पागल कर देगा ये लड़का पागल यू हैव इट एंड यू हैव इट एक से ज्यादा एक से ज्यादा एक से ज्यादा क्या बहुत ज्यादा होते हैं ग्लासेस ग्लासेस ये लड़का मैं आप गिव अप कर दो आप एक काम करो आप 10 तक का काउंटर चला दो 10 नादिर के पास सही है 5 4 3 रुक 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 होती थी यार तो कौन होती थी भाई ये है हेलमेट एक एक हिंट देख कर लो आप पहनने के लिए प्रोटेक्शन के लिए फटने से रोकती है सर को मैं लाल दुपट्टा लेके बढ़ूंगा उमल की तरफ आइटम का है आइटम है ना रेडी बस ठीक है बहुत अच्छी उमल बहुत प्यार से आंखें हैं हाँ आपको नजर तो नहीं आ रहा मेरे बाल तो नहीं खराब हो रहे कुछ खराब नहीं हो रहा अच्छी सेल्फी आएगी इसमें जुड़े ओके बिल्कुल कानून लग रही है हाँ जी हाँ सही है सही हाँ पानी नहीं फेंके पानी नहीं फेंके पानी नहीं फेंके उन पे नहीं नहीं पानी नहीं फेंके उन पे ओके ओके कुशन क्यों ले रहे थे अरे चाय नहीं फेंके सफेद कपड़े नहीं नहीं मजाक कर अच्छा आइटम ले आओ बेटा आइटम ले आओ भाई आप ये चेक करो प्लीज प्लीज अरे ये चेक करो आपके बजट कितना बड़ा है कोई सस्ता आइटम मैंने नहीं रखा आज तक बजट ये मैंने रख दिया है हाँ सवाल रखा
क्या क्या पूछ रही क्या है? हेलमेट रखा था वहां पे रखा। अच्छा ठीक है, एक हो गया सवाल जी। हाँ सवाल पूछे ना सवाल। अच्छा मैंने पूछना है, क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी क्या कर रहे हैं, हम लोग बैठे हुए बस। नहीं आप लोग इधर से उधर घूम रहे हैं, तो हम लोग टहल रहे हैं। आई कैन फील इट कि आप लोग इधर से उधर जा रहे हैं। मैं चल रहा हूँ ना, मैं तो यूं चल रहा हूँ। शहजाद का है भाई, मैं इधर ही हूँ यार, क्या हो गया? बस पूरा गोश्त पोस्ट का इंसान बैठा है यहाँ पर। अच्छा सवाल मेरा ये है कि ये हम इस्तेमाल करते हैं? हाँ ये कैसा सवाल है? हम इस्तेमाल करते हैं? आप करते हैं, घर में भी करते हैं? करते हैं। एक सवाल, यहाँ कौन आया है? उसको छोड़ दो, आप चीजों पर फोकस। यहाँ कोई आया है ना? हाँ जी। नहीं हूँ बस ये जेरी स्प्रिंगर समझते हैं मुझे। अच्छा चलो, ये मैं हिंट दे देता हूँ, मैं हिंट दूँ। हाँ दे। गरम कर देता है। सॉरी 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 भाई। यहाँ कौन है? यहाँ कोई है? मैं किस तरह से बताऊँ? क्योंकि अभी आप वॉक करके आए, इससे पहले मुझे किसी की वो हो रही थी, आहट। बू आ रही थी, बू। आहट नहीं हो रही। साए साए हैं, हॉन्टेड जगह है। मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। यार, I mean, okay. हाँ। अब आप यहाँ से नहीं हिलेगा। आप फोकस कर। ठीक है। वजीफा कर रही हैं क्या यहाँ से? नहीं, क्योंकि एकदम से मुझे ऐसे लगते कोई आया है यहाँ। नहीं कोई नहीं आया। अच्छा, तो गरम कर देता है? हाँ। गरम हम इंसान को गरम कर देता है? इस्तेमाल पे डिपेंड करता है वैसे। हाँ। शहजाद तुम तो दो ना हिंट। मैं दे रहा हूँ। हिंट क्यों नहीं दे रहे हो? वो खड़े हैं सामने, खड़े हैं मेरा, सामने खड़े हैं। होली क्रैप गाइस, एक सेकंड अम्मी जी, एक सेकंड शहजाद, दैट वाज नॉट, सी क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या हो गया? क्या हुआ? मुझे नहीं पता क्या हुआ। क्या? Shut up. Shut up. मुमल मैं यहाँ बैठा हूँ, कब मैं कदमों में आ जाऊँ? मैं नहीं, मैं हम आ गए। नहीं एक सेकेंड। हाँ। एक सेकेंड, आप लोगों ने जो मुझे गैस करना था वो इंसान है? नहीं। यस मैं उतार रही हूँ। नहीं नहीं, अल्लाह का सब इंसान है। क्योंकि यहाँ कोई था, हम सब है ना। मैं था, नहीं थे शहजाद, तुम नहीं थे, तुम नहीं थे। मैंने कहा भी ड्यूटी लगाया कर, मैं नहीं थे। इंसान नहीं है, इंसान नहीं है, इंसान को हम ऑब्जेक्टिफाई नहीं करते, ये ऑब्जेक्ट है। ये मैंने प्रोटेक्शन के लिए हेलमेट ही पहन लिए। अच्छा दो सवाल हो चुके हैं मोहम्मद, बहुत आसान है इससे। यहाँ कोई था? ऑडियंस प्लीज आप लोग मेरा साथ दें, बताए कोई था ना? अरे इस पे आए ना आप? क्या हिंट? दो सवाल हुए। अच्छा दो सवाल हुए। गरम करता है। शहजाद क्या कर रहे हो? क्या हो गया भाई, क्या हो गया है? अच्छा मैं नहीं खेलना, मुझे नहीं। अच्छा उतार दे आप। मैंने नहीं खेलना, कुछ भी नहीं है, कोई भी उतार। क्या हो गया? I was right, you guys. नहीं ये था, ये था ऑब्जेक्ट, ये जो नो, ओह माय गॉड, मैं देना चाह रहा था, सीधा कर देता है। ब्रेक का वापस आएंगे, हंसना मना है, कहीं नहीं जा रहा। किस चीज की जगह है ये? ताबिश साहब का शो है, हंसना मना है। ताबिश हो जेड़ा बहुत छछोरा है। नहीं सर, बड़े मुहज्जब आदमी ने। दस ना केड़ा ताबिश हो जेड़ा बहुत बेशर्म है। सर नहीं, ताड़ी सोच तो भी ज्यादा ऐसे नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं बैठा किथे? सर मेरे मुंह ते। हेलो दिनों साथ, वेलकम बैक टू हसना मनाए। मेरे साथ मौजूद हैं शहजाद और मोमल शेख। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप लोगों के लिए सोफे लगा दिए गए, ऐसे फजूल में नहीं लगा दिए गए, अच्छे खासे वहाँ बैठे थे, अब यहाँ बैठा देंगे, इसलिए लगाएं। इस गेम का नाम है तू तू मैं।
ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोनों सोफों पर ये हरे और लाल बोर्ड पड़े हुए हैं जिसपे एक पे लिखा है तू और एक पे लिखा है मैं। मैं तो सवाल पूछूंगा, दोनों के पास ये दो बोर्ड मौजूद हैं। अगर आपको लगता है उस सवाल के रिस्पॉन्सिबल ज्यादा आप हैं तो आप उठाएंगे मैं, और आपको लगता है कि वही है तो आप उठाएंगे तू, ठीक, और वाइस वर्सा। ठीक है, तू तू मैं स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अब्बू किसकी बिला वजह की साइड लेते हैं? यस, आपको तो पता ही बात, कौन ज्यादा कामचोर है? Yes! इतना खुशी से नहीं उठाओ आप, बेइज्जती हो रही है। किसने दूसरे के लिए ज्यादा डांट खाई है? No! खुशफहमी है सिर्फ आप दोनों को, कुछ भी नहीं। तुमने खाई है डांट ज्यादा? कर लो, ये कर लो पहले। तुम्हें किसने बचाया है इतना? जी नहीं, जब तुम अम्मी के पास, दोस्तों के पास निकल जाते थे, सिगरेट जो पकड़ी गई थी किसकी, मुझे ही पड़ती थी सारी डांटे। लड़कियां घर पे होती हैं, लड़के तो लड़ झगड़ के माँ बाप से निकल जाते हैं बाहर, ये है कि नहीं है? राइट, लड़कियां को ज्यादा पड़ती है ना, भाइयों की भी डांट पड़ती है। थैंक यू, जस्ट बिकॉज तुम लोग की आवाज नो आ रही है, लड़के, एक सेकेंड, मर्द नहीं बोलेगा, लड़का नहीं बोलेगा, सिर्फ लड़कियां बोलेंगी, बढ़ती है ना, सुना? सर अब शो कर ले, कर ले। सॉरी। सवाल, कौन दूसरे की शिकायत ज्यादा लगाता है? खिलौने किसने ज्यादा तोड़े? पता ही नहीं है। दिल किसने ज्यादा तोड़े हैं? अच्छा, पहली नजर में तो हो गई थी मोहब्बत, फिर दिल कब टूटे भाई? उससे पहले। अच्छा, उससे पहले आप दिल तोड़ने का काम में थे। मुझसे पूछे कितने? अच्छा, कोई नंबर है? ऐसा मतलब कोई फिगर होती है ना यार, 19, 20, 30। भाइयों को सारी सीक्रेट्स भी रखनी होती है ना। हाँ, वेरी गुड। हाँ भाई, कौन ज्यादा कंजूस है? इससे भी नफरत ना हो इन्हें, आप ही है, ठीक है, यही है, मतलब आपको कह रहे हैं। जूता लाओ यार, जूता लाओ, मैं तो कह रहा हूँ। कंजूस मैं, कंजूस मैं, हूँ, मैं हूँ कंजूस। मैंने झूठ पे भी कुछ नहीं उठाया था, ठीक है, मैंने कंजूस पे भी कुछ नहीं उठाया, तो जरूरी नहीं है कि आपने कुछ ना कुछ उठाया। कब कोई ऐसी चीज तुमने मांगी हो, मैंने तुम्हें नहीं दी हो, या किसी ने मांगी? That's what I'm saying, ना मैंने उठाया ना तुमने उठाया ना तो सवाल गलत है, इसका मतलब है। Yes! भाई हूँ। मैं कंजूस हूँ, मैं ही झूठा हूँ, मैंने अब्बा के पैसे से चोरी की है भाई, मैंने चुराया आपके पापा के वॉलेट पैसे चुरा लिए मैंने, खबर दिला दिया दिए सेकंड में, यही खत्म करूंगा, नहीं खेलूंगा और मैं, वापिस आया दोनों, वापिस आया दोनों, चले अब सोच तरह चल। हम एक कमाल चीज करें, मैं आपसे 4-5 सवाल पूछूंगा, उनके 1-word आंसर हैं, और उन आंसर से मैं पोएट्री पोएम बनाऊंगा, नज्म। हमारे सेगमेंट का नाम है उधम नज्म। उधम उधम नज्म, बहुत ही मजे का सेगमेंट है, सवाल बहुत अच्छे अच्छे से हैं और उनके जवाबों से नज्म बनेगी, ठीक है। हाथ पर हथौड़ा लग जाए अगर मारूम है तो क्या आवाज निकालेंगे आप? धड़ धड़। ड्रम के बने हुए भाई आप, क्या आपके मुंह से क्या आवाज निकली? मेरा हाथ है भाई ऐसी आवाज। आपका हाथ, आपकी मर्जी, आप लगा दो धड़। मुमल कोई भी रिश्ता, चाचा, पप्पा, मामा, खाला, चाची, ताई, फुप्पो, फुप्पो लिखो, फुप्पो लिखो, धड़ फुप्पो धड़। कोई पीने की चीज, चाय, वेरी गुड, शुक्र। कोई बॉडी पार्ट, आंखें, आंखें दोनों या एक? आंखें, खेल को खेल। कोई टाइम ड्यूरेशन, 1 घंटा, 10 सेकंड, 12 सेकंड, 2 घंटे, 3 दिन, 3 साल? 55 मिनट। 55 मिनट लिखो बेटा, इस्तेमाल के मुताबिक। कोई भी कलर बता दे मोमल। लाल, लाल लिखो भाई, लाल, बहुत अच्छा लाल। कोई फनी निकनेम होता है ना, बबलू, चिंटू, चूचू, लुल्लू, क्या? बबलू, बबलू लिखो भाई, बहुत। कोई बॉडी पार्ट एक और यार, मेरे पास अब क्या करूं, सीक्वेंस ऐसा बना हुआ, इतने शताब्दी आप बता दो, दोबारा करेंगे हम। अंगूठा लिखो, बहुत अच्छा बॉडी पार्ट दिया भाई, अंगूठा लिखो।
अच्छा बस आखिरी कोई नंबर बता दे। नंबर 15। 50? 15। 15। बड़ा 15 मिला भी लो और लिख भी लो। हो गया नज़म तैयार, ले आओ बेटा। भाई मैं अर्ज करने लगा हूँ, आप लोग पहले से दो वाफा करते हैं। बिरयानी क्या नहीं करा सकती भाई। चलो अर्ज किया है कि रात को आवाज आई धड़ मेरे यार से, रात को आवाज आई धड़ मेरे यार से, फिर पिलाई मुझे फुप्पो ने चाय बड़े प्यार से, कहा मुझे मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, कहा मुझे मेरी आंखों में दर्द हो रहा है और मेरा 55 मिनट से बच्चा रो रहा है, इसके लाल रंग के बच्चे अब कौन संभालेगा, इसके लाल रंग के बच्चे अब कौन संभालेगा, इनको प्यार से बबलू अब कौन पुकारेगा, मैंने अपना अंगूठा डाल दिया बच्चे के मुंह में। मैंने इफ्तखार भाई तवज्जो चाहूंगा, मुशायरे में होता है ना भाई, जब इफ्तखार भाई तुझे तवज्जो नहीं दे रहे तो ये अटेंशन सीकिंग क्यों कर रहे हैं तू शायर। तो आखिरी मिसरा है कि मैंने अपना अंगूठा डाल दिया मुंह में बच्चों के, मैंने अपना अंगूठा डाल दिया मुंह में बच्चों के, काश हम भी बाप बने 15 बच्चों के। 15 नंबर बताया भाई, बताया था हमने, नहीं बताया था, 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 था ताली होनी चाहिए मेरे उद्धम बेवजन वजन के नज़म के लिए। अच्छा आपका दोनों का सियासत पे कोई नजर है? थोड़ा बहुत है। सपोर्ट करते हैं किसी को खास? आपकी आंखों से लग रहा है आप किसको करते हो। ठीक है मोमल आप भी? ऑफ कोर्स। माशाल्लाह दोनों अकायद लंदन में। किसको पसंद करते हैं भाई आप, किसको? बनी गाला में सही है, ठीक है बनी गाला में। खान साहब के सपोर्टर हैं आप तो। भाई आज भी हमारे साथ कुछ सियासतदान मौजूद हैं, मैं चाहता हूँ कि आए तो 5-6 सेकंड उनसे बात कर लें। अभी बहुत मशहूर हैं आजकल, हॉट चल रहे हैं। अच्छा हॉट चल रहे हैं। दिनों बाद आपकी भरपूर तालियों में चौधरी शुजात। जल्दी चल सकते हैं इधर इधर राइट साइड में सर। अच्छा नहीं अपने राइट सर, अपने राइट वे सर, इंडिकेटर इधर ला चल रही है, तुसी मुड़ उधर रहे हो। तू किथे है? सज्जिया सर, सीधा ही सीधा ही। ये देखिए आपके आगे सोफा है। अच्छा मेरे आगे सोफा है। ओके ये तो तू है सर, ये सोफा है ये। अच्छा हाँ तोहफा किने तोहफा देता है? मैं तोहफा नहीं लेना सर, उन उम्र नहीं रह गई तोहफे लैन देने वाली। मतलब है कि मतलब की है ये कुर्सी सर, कुर्सी वो तो ले नहीं लगी उन्होंने। जल्दी जल्दी बिठा लें, सीएम चेंज ना हो जाती देर में यार। किस चीज की जगह है ये? ताबे साहब का शो है, हंसना मना है। ताबे शो जेड़ा बहुत छछोरा है। नहीं सर बड़े मुहज्जब आदमी ने। नहीं दस ना केड़ा ताबे शो जेड़ा बहुत बेशर्म है। सर नहीं ताड़ी सोच तो भी ज्यादा ऐसे नहीं है। ठीक है लेकिन मैं बैठा किथे है सर? मेरे मुंह ते सोफा सर है। बैठा क्यों रहा है यार तू? मैं वॉशरूम तो नहीं ले आया सर? वाशरूम नहीं, ताबिश साहब का शो है। अच्छा हाँ ताबिश किथे? चौधरी साहब क्या हाल है, तबीयत कैसी है आपकी? बिल्कुल ठीक, आप सुनाओ क्या हाल है ताबिश? चौधरी साहब ऐ सामने। आपका जी ये ठीक है सर? इधर जवेद शेख साहब के बच्चे तशरीफ ले आए सर। निशान जवेद शेख साहब ताबिश, तू जवेद शेख साहब का बच्चा है यार, दसा नहीं यार। दोनों बेटियां लग रही सन यार। अस्सलाम सर, क्या हाल है? शहजाद शेख है मेरा नाम, कैसे हैं आप? आई लव यू शहजाद, मैं आपको बहुत बहुत आपको अप्रिशिएट करता हूँ। आप कौन हैं?
यार आपको तो ये खत ने पूरा मुल्क खिला दिया। खत नहीं मैं तो मिठू बना खत ने नाल बाद जी फटकड़ी लगती है ना फटकड़ी खत बनाने तो बाद क्या बोल रहे वो कहते जिस शेव करी ना बाद जी फटकड़ी लगती है फिर बड़ी लगती है यार ये बताएं आपके तो क्या नाम है परवेज इलाही साहब के साथ सारे मामलात तय हो गए थे फिर क्या कोई फोन मोन आ गया क्या हुआ फोन आ गया फोन फोन कौन आ गया अच्छा फोन सर फोन अच्छा बिठाओ ड्राइंग रूम में आ रहे हैं सर फोन आया अपना खून नहीं आया अपना फोन टेलीफोन यार उन्होंने समझाया यार कि मैंने जवाब नहीं बढ़ा दिया मेरे को दरअसल चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि परवेज इलाही साहब के जो ड्राइवर थे ना उन्होंने गाड़ी डाल ली मोटरवे पे ठीक है अब मोटरवे पे तो यू टर्न होता ही नहीं है वाह वाह लाहौर बड़ी दूर पड़ता था इसलिए बनी काला चले गए इलेक्शन कमीशन खत लिखेंगे कि आपके जो मुनहरिफ अरकान है इनको डिसीट कर दिया जाए मैं तो कमीशन खाना लग रहे हैं समझ लगी नहीं गालां कट रहे गल समझ नहीं आती भोले बाज वो कह रहे हैं कि कमीशन बनना चाहिए ताकि पता चले कि इस मुल्क को किस किस ने नुकसान पहुंचाया है दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए चौधरी साहब गड्डी टूट पाई है तीजे च पा लो चौधरी साहब मैं आपसे जाना चाहूंगा बहुत अच्छे गेस्ट आए मैं दो चार सवाल मैं इनसे और ब्रेक ले सकते हो वॉशरूम ब्रेक वॉशरूम ब्रेक है तो वॉशरूम है कि थे आपकी आपका शहर है जहाँ चाहे ये तो कैमरे नहीं लगे हुए अरे भाई कैमरे तो पीछे चले जाना यार आप वॉशरूम तो मैं जा रहा है पैसे तैनू देने ना उत्थे देने ना उधर ही दे दीजिएगा रात अब बज रहे हैं आपकी घड़ियों में 11:55 गहरी रात हो रही है इस गहरी रात को मजीद गहरा ना करें आंख बंद करें सो जाएं क्योंकि आपने सुबह जल्दी उठना है पाकिस्तान के लिए अच्छा करना है मेरे साथ थे मोहम्मद शेख और शहजाद शेख बेहतरीन शो किया हमने उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगेगा अल्लाह हाफिज़ गुड नाइट बाय